हेलो एवरीवन, बच्चे हम लोग आज डिस्कस करेंगे द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में इसको हम लोग दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। डे वन में हमारा रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। डे टू में हम लोग देखेंगे इसकी जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, ऑर्गेनिज्म विद टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और टैक्सोनॉमिकल ऐड आपके सिलेबस से हटा दिया गया, इसको हम लोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड में कि लाइफ क्या होता है। देखो, एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेसिंग थ्रू द केमिकल रिएक्शंस विच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडॉप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। वो क्या कहलाता है? आपका लाइफ कहलाता है। मतलब लाइफ का डिफाइनिंग फीचर वो ही कहलाएगा जिसमें आपको ग्रोथ दिखेगी, रिप्रोडक्शन दिखेगी, मेटाबॉलिज्म दिखेगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है। देखो इसको आप लोग देखोगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जैसे मेरे पास आता है ग्रोथ, इट इज़ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन इन प्लांट, ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट दियर लाइफ स्पेन। देखो बच्चे, दो टाइप से ग्रोथ हो सकती है, या तो सेल का नंबर इंक्रीज हो के, जैसे ये एक सेल है, ये डिवाइड हो गया ऐसे, फिर ये फर्दर डिवाइड हो गया ऐसे, ठीक है। या तो ऐसे ग्रोथ हो सकती है, या तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल के साइज की ग्रोथ होगी, ऐसा ग्रोथ शो कर सकता हो। सेकंड, थर्ड पॉइंट, इन एनिमल ग्रोथ इज ओनली अप टू सर्टेन एज, सेल डिवीजन होकर रिप्लेस लॉस सेल, ठीक है। बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज मास एंड साइज। ग्रोथ कैसे होती है? या तो मास ऑफ सेल इंक्रीज करेगा सेल डिवाइड होके, या तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल का साइज इंक्रीज करेगा। दिस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, सो ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसलिए बोलते हैं कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बिकॉज क्योंकि एक्सटर्नल ग्रोथ भी होती है, जैसे अर्थ पे सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाती है, ये देखो अर्थ की लेयर पे सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाएगी ऐसे ऐसे करते, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल ग्रोथ कहलाएगी विच इज़ नॉन लिविंग ग्रोथ, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर सेल डिवाइड होंगे, इसको इंटरनल ग्रोथ कहते हैं, ठीक है, विच इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फॉर्म इनसाइड, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड होती है, ये इनसाइड ग्रोथ है और ये हमारी आउटसाइड ग्रोथ है, ठीक है। सेकंड बोल रहा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, रिप्रोडक्शन में इट इज़ द रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी, प्रोजनी क्या होता है, ऑफस्प्रिंग हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। इसके ये तीन पॉइंट देखोगे, एग्जाम्पल क्या है, जो एक्सेप्शन है, जो रिप्रोडक्शन में मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, म्यूल हो गए, वर्कर बीज हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गया, हेंस द रिप्रोडक्शन इज नॉट परफेक्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसमें देखो मेटाबॉलिज्म आ गया, जैसे मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम टोटल ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिविंग सिस्टम, ठीक है। जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं वो मेटाबॉलिज्म्स कहलाता है, और मेटाबॉलिज्म एक पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे जिसकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है।
इट इज़ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शन। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन विट्रो भी की जाती है। इन विट्रो का मतलब होता है जैसे लैब वर्क में हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शंस बनाते हैं, बट जैसे हमारे पास होता है लैब के अलावा जो भी एक्टिविटीज़ हैं बायोकेमिकल वो सेल के अंदर ही होती है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन आर मोर सेल्स। इट इज़ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस एबिलिटी टू ऑर्गेनिज्म सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट स्टिमुलाई लाइट वाटर टेम्परेचर अदर ऑर्गेनिज्म केमिकल पॉल्यूटेंट्स। इन चीज़ों को जो सेंस करता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ दियर सराउंडिंग सो इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ कॉन्शियसनेस इन ह्यूमन बींग दैट इज लिविंग। थोड़ा सा डाइवर्सिटी पे देखते हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पे देखते हैं थोड़ा सा क्या है। द नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नंबर और टाइप जो है ऑर्गेनिजम्स की और जो प्रेजेंट होते हैं अर्थ पे वेराइटीज नंबर उसको बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्क्राइब 1.7 to 1.8 बिलियन। टेक्सोनॉमी स्टडी आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। टेक्सोनॉमी बोले सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक होती है अरेंजमेंट डील विद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म दैट इज सिस्टमेटिक। सिस्टम ऑफ नेचर इज अ बुक रिटन बाय लिनियस। ये पॉइंट जो है ना ये आपकी नीट में आते हैं, ये आपको याद रखने। बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी करेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसको CICN करके याद रखो, बहुत हेल्पफुल है ये, ऐसे आपको ध्यान रखना है इनका। द फर्स्ट वर्ड इज जीनस जेनरिक नेम एंड सेकंड वर्ड इज स्पीशीज एपिथेट। ठीक, होमोसेपियन होमोजीनस एपिनिस स्पीशीज। एग्जांपल द जीनस नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड द स्पीशीज नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। द नेम ऑफ द ऑथर एब्रिविएटेड फ्रॉम अपीयर्स एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। मैग्निफेरा इंडिका लिन, इट इंडिकेट दैट दिस स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। ठीक है बच्चे, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इतना से देखना है, ये दो दिन में हमने ख़त्म करना है। इसके मैं अभी आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशन बताता हूँ जो स्टेटमेंट बेस्ड नीट में क्वेश्चन आते हैं, और फिर हम इसके अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू। ये हमारा डे वन का है। ठीक है, डे वन लिविंग वर्ल्ड।